पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे। कुछ देर बाद माता पार्वती के मन में चौपड़ खेलने विचार आया। उन्होंने शिव से चौपड़ का खेल खेलने के लिए कहा तो वे भी तैयार हो गए, लेकिन अब समस्या यह थी कि वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था जो हार जीत का निर्णय कर सके। इस समस्या का समाधान करने के लिए माता पार्वती ने अपनी शक्ति से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर फिर उस बालक से कहा कि तुम इस चौपड़ खेल के निर्णायक हो, तुम्हें हमारी हार और जीत का फैसला करना है। इसके बाद माता पार्वती और शिव जी के बीच चौपड़ का खेल शुरू हुआ। चौपड़ के खेल में हर बार माता पार्वती जीत रही थी और उन्होंने कई बार भगवान शिव को इस खेल में हराया। इसके बाद माता पार्वती ने उस बालक से खेल का निर्णय बताने के लिए कहा तो उसने भगवान शिव को विजयी बता दिया। इस गलत और झूठे फैसले से माता पार्वती नाराज हो गई और उन्होंने गुस्से में बालक को श्राप दे दिया। माता पार्वती के श्राप बस वह बालक लंगड़ा हो गया। बालक ने क्षमा याचना की तो माता पार्वती ने कहा कि यह श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन इससे मुक्ति पाने का एक उपाय है। उन्होंने बालक को संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने को कहा, साथ ही यह भी कहा कि इस व्रत का विधि इस नदी किनारे आने वाली कन्याओं से पूछना और फिर विधि पूर्वक संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना। बालक ने माता पार्वती के कहे अनुसार ऐसा ही किया और संकष्टी चतुर्थी पर कन्याओं से व्रत की विधि जान ली। इसके बाद नियम पूर्वक व्रत किया। बालक के व्रत व पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी ने प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तब बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की इच्छा व्यक्त की तो गणेश जी उसे कैलाश पहुंचा देते हैं। कहते हैं संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से भगवान गणेश जीवन में आई सभी बाधाओं और कष्टों को दूर करते हैं।